ऑक्सीजन जाने के रास्ते में पड़ने वाले प्लॉट को लेकर सांसद रमेश बैस और पप्पू फरिश्ता के परिवार आपस में भिड़ गए। सांसद रमेश बैस के परिवार ने आरोप लगाया है कि पप्पू फरिश्ता के परिवार उनके बेटी और बेटे घर उनके घर के पास आए और वहां पर गाली गलौज करने लगे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें मना किया तो उससे भी उन्होंने मारपीट की है। वहीं इसके अलग पप्पू फरिश्ता के परिवार से उनके बेटे और बेटी ने आरोप लगाया है कि हम उस रास्ते में जो प्लॉट था जो वहां पर ताला लगा हुआ था उसे हटाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सांसद रमेश बैस के बेटे रिंकू ने हमसे बदतमीजी की, मारपीट की और गाली गलौज की। दोनों ही मामलों पे पुलिस ने दोनों ही पक्षों की शिकायत सुन ली है और FIR दर्ज करने की बात की जा रही है। देर रात तक समझाइश की बात चलते रही, समझौते की बात चलती रही, जब ऐसा नहीं हो पाया तो फिलहाल जो स्थिति है उसे देखकर यह कहा जा रहा है कि जल्द ही FIR भी दर्ज किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें glips.in के साथ।